मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया में यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करने के लिए आए हुए थे। ये लोग यहाँ पर कैंपिंग भी कर रहे थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक ट्रेन नाम का लड़का होता है जो कि मिसिंग होता है और उसे ढूंढने के लिए उसकी फ्रेंड एलेक्स जाती है। अब यहाँ पर सोफी एंड ब्रेंट अकेले होते हैं और ये लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी यहाँ पर थ्री फिंगर आता है और ब्रेंट के हाथों में एक तीर मार देता है और उसे खोखला कर देता है। अब वही थ्री फिंगर उस लड़की यानी कि सोफी को भी उसकी आँख पे वार करता है और उसको ऑन द स्पॉट ही मार देता है और उसे खाने लगता है। यहाँ पर ट्रे भागता जाता है और वो भी बच नहीं पाता। यहाँ पर हम लोग दोस्तों एलेक्स को देखते हैं जो कि आ चुकी थी और वो उसे डर के छुपी हुई थी। यहाँ पर दोस्तों हम लोग ब्रेंट को भी देखते हैं जो कि कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके आ रहा था, पर वो उसे देखकर थ्री फिंगर को देखकर वो भी भागने लगता है और फाइनली थ्री फिंगर भी उसके ऊपर हमला करके उसे भी मार देता है। और यहाँ पर हम ट्रे को भी देखते हैं जो कि अब मर चुका था, उन्हीं के ही एक जाल में फंस गया और थ्री फिंगर उसको खा रहा था। अब यहाँ पर लास्ट में सिर्फ एलेक्स बची थी। अब इसके बाद हमको सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक पुलिस स्टेशन का सीन जहाँ पर कुछ कैदियों को करा इकट्ठा किया हुआ था क्योंकि उनकी जो लोकेशन थी वो चेंज करनी थी। और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को यह पता पड़ा था कि इनका जो लीडर है उसका नाम जार्विस था और वहाँ के वो ड्रग माफिया कंपनी का उनका हेड था। अब यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि इन लोगों को एक दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाना था और इनको ऊपर इनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इनको ऊपर बीच में हमला भी हो सकता है। तो ये लोग एक बस में दूसरे रूट से जा रहे थे और वो रूट वही था यानी कि जो खतरनाक रूट था वहाँ का, जो थी पेपर सॉ मिल। अब ये लोग वहाँ से दोस्तों उस जगह के लिए निकल चुके थे, ये लोग अपनी बस में बैठ चुके थे। अब यहाँ से एक रात का सीन होता है और हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक जगह पर रुके हैं अपनी रात बिताने के लिए और यहाँ हम ऑफिसर जैनी को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर के साथ उसका एक नेफ्यू भी है जिसको हमने पिछली फिल्म में देखा था जो उसको फीड कर रहा था। वो नेफ्यू उसका ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, हाँ पर इतना बड़ा हो चुका था कि वो लोग उनकी एक ट्रैप बनाने में मदद करवा सके। थ्री फिंगर का नेफ्यू उसी के एक बीच जाल में फंस जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो उस जाल से बच जाता है और थ्री फिंगर उसको अपने साथ ले जाता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑफिसर होते हैं यानी कि ऑफिसर ब्रेंट। अब ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं, इनके साथ तीन ऑफिसर और हैं। इनके पीछे थ्री फिंगर की ट्रक आ जाता है और वो उस ट्रक के आगे एक वायर फंसा देता है जिसके कारण जो वो बस थी वो उलट पुलट हो जाती है और वहीं पर एक जंगल में पलट के गिर जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि थ्री फिंगर उस बस का जायज़ा ले रहा था, पर वो वहाँ से पीछे खड़ा हुआ देख रहा था। हम देखते हैं कि जो ऑफिसर होते हैं वो जार्विस को और उसके सारे साथियों को बस में से सेफली निकाल रहे थे, पर जार्विस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि एक ऑफिसर ने गन उठा ली थी जार्विस को मारने के लिए, पर देखते हैं कि उस ऑफिसर के ऊपर एक हमला हुआ था और एक वो हमला था एक चाकू का हमला जो उस ऑफिसर के सीधा गर्दन में जाकर लगता है और वो ऑन द स्पॉट ही मर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये जार्विस के लोग हैं जो उसे बचाने आए हैं, पर वहीं उसी टाइम पर जार्विस के ऊपर भी तीर से हमला हो जाता है, जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि ये हमला थ्री फिंगर कर रहा था और ये लोग जार्विस के लोग नहीं हैं। अब यहाँ पर जार्विस चाहता तो ऑफिसर को भी मार सकता था, पर वो उनको नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो ऑफिसर को ही पता था कि जंगल से बचने का रास्ता कहां पर है। अब यहां पर हम देखते हैं कि एक ऑफिसर बस के अंदर फंस चुके थे और वो बस एक्सप्लोड होने वाली थी और उस बस के अंदर कुछ चाबियां भी थी। अब ऑफिसर सही टाइम पे उस दूसरे ऑफिसर को बाहर निकाल लेते हैं और उसी टाइम पर बस जो है वो एक्सप्लोड हो जाती है और यहाँ पर ये लोग सारे सेफली बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से दोस्तों बाहर निकलने का फैसला बनाते हैं और जार्विस तो सोच रहा था कि ऑफिसर्स को मारे, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। अब हम यहाँ पर दोस्तों एलेक्स को देखते हैं जो उस जंगल में आते हैं और लोगों पर हमला कर देती है और वो उनको बताती है कि जंगल में एक आदमखोर बीस्ट रहता है जो लोगों को मार रहा है और उसी ने मेरे बाकी फ्रेंड्स को भी मारा है। अब ये लोग दोस्तों अपनी अकल दौड़ाने लगते हैं और उनको लगता है कि ये लड़की सही कह रही है और क्यों ना उसी बीस्ट ने ही हमारे ऊपर ही हमला करा हो। ये लोग उस लड़की को मारने चाहते थे, पर यहाँ पर ऑफिसर उस लड़की को ये कहकर बचा लेते हैं कि इस लड़की को सारा रास्ता इसको भी पता है तो हम इसको नहीं मार सकते। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़े से आगे चलते हैं, इनको एक कार मिलती है जो पूरी तरह से डैमेज थी। ये लोग उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर इनको कुछ गन्स मिलते हैं और कुछ चाबियाँ भी मिलती हैं। ये उसके पीछे उस चाबी से उसके पीछे का गेट खुलता है तो उसके अंदर उनको दोस्तों पैसों से भरे हुए बहुत सारे बैग्स मिलते हैं और ये लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। अब ये लोग जार्विस इन लोगों से कहता है कि सब लोग एक एक बैग उठा लो या फिर दो बैग उठा लो और यहाँ से चलो, हम इन पैसों को यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पर दोस्तों ये लोग पैसे लेकर चल रहे होते हैं कि एक ऑफिसर जार्विस के ऊपर हमला कर देता है अपने गन से, पर अनफॉर्चुनेटली जार्विस भी उस गन से बच जाता है। अब जार्विस गुस्सा आ गया था और वो उस ऑफिसर को दस पॉट अपनी गन से मार देता है। अब एक ऑफिसर उसको मारने की चाहते थे क्योंकि उन्होंने एक ऑफिसर को मारा था, पर वहाँ पर उसके आदमी जार्विस को बचा लेते हैं। अब ये लोग दोस्तों आगे बढ़ रहे ही होते हैं तभी वहाँ पर रात होने लगती है और ये लोग देखते हैं कि एक ट्रैप होता है जो कि थ्री फिंगर उसके नेफ्यू ने बिछाया था। ये लोग उसमें फंसने वाले थे पर एक ऑफिसर आकर उनको वहाँ से बचा लेता है। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर का नेफ्यू निकलता है
और उन लोगों पर हमला कर देता है, पर तभी जार्विस उसके ऊपर अपनी गन से हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब उसको ये तो पता था कि थ्री फिंगर इस जंगल में है, तो वो उसके लिए कोई ना कोई निशानी छोड़ना चाहता था ताकि वो उसको फंसा सके और मार सके। तो वो थ्री फिंगर के नेफ्यू का सिर उसके ही बिछाए जाल पर फंसा देता है और वहाँ पर थ्री फिंगर आता है। तो वो दोस्तों अपने नेफ्यू को देखकर इतना ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो गया था, तो वो उन लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। अब ये लोग कुछ आगे और बढ़ते हैं तो इनको एक चीज़ मिलती है। अब इन लोगों को पता भी होता है कि वो एक ट्रैप है, पर लोग वो लोग फिर भी उसको पकड़ते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक साथी होता है जार्विस का, वो उसको बचा लेता है उस ट्रैप से, पर जार्विस को ये बुरा लगता है। और तभी ऑन द स्पॉट ही जार्विस जो का साथी जो उसे बचाता है उसके ऊपर एक हमला हो जाता है जिससे वो मर जाता है। अब जार्विस जो कि उसका जो फंदा था उसके पैर से जुड़ा हुआ था, तो वो उस आदमी के पैर को काटकर अपने साथ लेकर चलने लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ पुलिस वाले एक चार लोगों यानी कि चार हिस्ट्री शीटर्स की फाइल देख रहे थे और बताते हैं कि ये चारों उस जंगल से जहाँ पर हम इनको शिफ्ट करना चाहते थे उस बीच में जो जंगल पड़ता है वो लोग वहाँ से भाग चुके हैं। अब ये लोग किसी तरह से ट्रैप से बचाते बचते बचाते एक घर के पास पहुंचते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि यहां पर थ्री फिंगर का ट्रक है वो खड़ा हुआ है और उन लोगों को पता है कि ये ना कोई ट्रैप है। ये लोग इस घर में से आकर कुछ इक्विपमेंट्स निकालते हैं और अपने हथकड़ियों को खोल लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रक खड़ा था थ्री फिंगर का, यहाँ पर जार्विस उस ट्रक के पास अपने एक आदमी को भेजता है और कहता है कि चेक करके आओ क्या इसके अंदर कोई है। तब यहाँ पर थ्री फिंगर उस आदमी को अपने फंदे में फंसा लेता है और उसको अपने ट्रक के कारण खींच खींच कर ले जाता है और वो उसको इतनी बुरी तरह से खींच कर धरती पर घिसेड़ता है तब तक कि वो आदमी मर ना जाए। अब वो आदमी दोस्तों पूरी तरह से मर चुका था, आप लोग उसके हालत स्क्रीन पर देख ही रहे हो। तब यहाँ पर एक आदमी पीछे से आकर जार्विस पर हमला करता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। अब जार्विस फिर से बच जाता है और उस आदमी को ही अपने आप मार देता है। अब यहाँ पर जार्विस और उसका सिर्फ एक ही साथी बचा था और तीन पुलिस वाले, ये लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर शेरिफ आ जाते हैं जहाँ पर उस ट्रक में आग लगी थी उस ट्रक का मुआयना करने के लिए। अब अगला सीन यहाँ से दोस्तों चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जार्विस और उसका सिर्फ एक साथी बचा है, थ्री पुलिस वाले और यहाँ पर एक एलेक्स बची हुई है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जार्विस को पता पड़ चुका है कि उस शेरिफ ने यानी कि उस पुलिस ऑफिसर ने अपने और दूसरे शेरिफ्स को पुलिस ऑफिसर्स को बुला लिया है। अब वो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि मुझे यहाँ पर एक टावर की पता है जहाँ पर हमें कुछ कॉन्टैक्ट का जरिया मिल सकता है। अब ये लोग दोस्तों उस टावर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर इन्हें देखने को मिलता है कि जो वो टावर है वो पूरी तरह से जल चुका है और उस टावर को उन्हीं तीनों बीस्ट भाइयों ने मार दिया है, यानी कि उस टावर को जला दिया है उन्हीं तीनों बीस्ट भाइयों ने। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जार्विस उस पुलिस ऑफिसर को मार रहा होता है, तभी वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर का डॉग आता है जो जार्विस पर हमला कर देता है और ये लोग अपनी उस जगह को संभाल लेते हैं। ऑन द स्पॉट ही एक पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाते हैं, पर तभी ऊपर से थ्री फिंगर का एक भाला गिरता है जिससे उस पुलिस ऑफिसर के वो आर पार हो जाता है और उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। जार्विस अपने आप को बचाता हुआ उस पुलिस ऑफिसर की गन को ले लेता है और पुलिस ऑफिसर के दूसरे पुलिस ऑफिसर के ऊपर उसे तान देता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक जो साथी था जार्विस का वो उन सारे पैसों को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आता है जो वहाँ पर एक पेट्रोल बम फेंकता है और उसको पूरी तरह से आग लगा देता है जिसके कारण उन सारे पैसों में भी आग लग जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि जार्विस उसका एक साथी और कुछ लोग फिर से उस ट्रक के पास आते हैं जो कि थ्री फिंगर का ट्रक था, ये लोग उसके ऊपर हमला करना चाहते हैं। तो जार्विस एलेक्स को उस ट्रक के पास फेंकता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है और जो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर था वो जार्विस से लड़ने लगता है कि तुमने उस नाकाम लड़की को उस ट्रक के पास क्यों भेजा। अब ये लोग यहाँ पर जार्विस को बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो थ्री फिंगर उस लड़की को अपने पास लेकर जा रहा था वो उस लड़की को एक चीज़ से बांध देता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि ऑफिसर जैनी की भी वहाँ पर उन्होंने डेड बॉडी उधर टक रखी है। अब किसी तरह से ऑफिसर उस जगह पर पहुँचते हैं, उनके साथ जार्विस भी आता है। जार्विस से ये सब लोग यहाँ पर उनके आगे थ्री फिंगर आता है और यहाँ हम देखते हैं कि जार्विस में और थ्री फिंगर में इतनी बुरी तरह से लड़ाई होती है। जार्विस थ्री फिंगर को भी मारने की कोशिश करता है और वो थ्री फिंगर के ऊपर उसी के ही एक्स से हमला कर देता है जिसके कारण वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। जार्विस यहाँ पर थ्री फिंगर पर भारी पड़ रहा था, पर एक टाइम आता है थ्री फिंगर भी जार्विस पर भारी पड़ जाता है और वो जार्विस को तो छोड़ देता है पर उसका एक फ्रेंड होता है वो उसका जो सिर होता है उसे खोलकर पूरी तरह से खा लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो लड़की थी उसको यानी कि एलेक्स को उसने पकड़ रखा था थ्री फिंगर ने, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं उसे बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, थ्री फिंगर पुलिस ऑफिसर पर भारी पड़ रहा था, तभी वो लड़की आकर थ्री फिंगर के ऊपर उसी के ही नेफ्यू का सिर जिस चीज़ में अटका हुआ था उसी से उसके ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर और वो लड़की एलेक्स थ्री फिंगर की कार को लेकर चली जाती है। पर यहाँ पर थ्री फिंगर कैसे मरने वाला था, वो उनकी कार के ऊपर आता है और उन पर हमला कर देता है। वो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इनकी जो कार है वो डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा जाती है और ये लोग कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर जो इनका एक
क्रिमिनल आता है वो यहाँ पर, जिसको उसने मार दिया था पर वो वहाँ पर मरा नहीं था, वो जिंदा था। यहाँ पर दोस्तों फिर से थ्री फिंगर्स जिंदा हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर होते हैं, एक सॉ टूथ का एक हथियार था वो उसके ऊपर थ्री फिंगर के ऊपर हमला कर देते हैं जिसके कारण वो मर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो वहाँ पर उस क्रिमिनल को रिहा कर देते हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी और वो एक अच्छा आदमी बन गया था। और कुछ देर बाद ही वहाँ पर पुलिस की टीम वहाँ पर लोग दोस्तों पहुँच जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर था वो उस जगह पर आता है और सारे पैसे लेकर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसे मार देता है। अब वो आदमी और कोई नहीं, वही क्रिमिनल था जिसको उस पुलिस ऑफिसर ने छोड़ा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बीस्ट यहाँ पर आ जाता है और वो उस आदमी को भी मार देता है। तो मूवी यहीं पर एंड होती है।